रेजिमेंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय यादव जय माधव। जय यादव जय माधव। अही रेजिमेंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अही रेजिमेंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अही रेजिमेंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजयेंद्र जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। विजयेंद्र जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। देना होगा देना होगा देना होगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अमित शाह जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। 26 करोड़ यादवों ने ललकारा है हरी झंडा फहरा रहा है। देश के यादवों ने ललकारा है हरी झंडा फहरा रहा है। वोट वही पाएगा वही रेजिमेंट पाएगा पाएगा। अखिल भारतीय यदुवंशी महासंघ की तरफ से आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सरकार से इनकी मुख्य मांग है कि सेना के अंदर अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। कुछ लोग यहां पर विभिन्न राज्यों से आए हैं जो अपनी मांग को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और मामला को पूरा समझते हैं कि इनकी क्या मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र यादव है, मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ जो हमारे समाज की आवाज़ में देश की सरकार तक और जनता तक पहुँचाने का काम करें। हम लोग लगातार वर्षों से भारतीय सेना में एक हरी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, और वो मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज़ादी से पहले इस देश को आज़ाद कराने में भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद 75 वर्ष में चाइना और पाकिस्तान का कोई भी युद्ध हो, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे वो 65-71 का युद्ध हो, चाहे संसद भवन हमला हो, अक्षरधाम मंदिर हमला हो, कारगिल युद्ध हो, चाहे वो बॉम्बे ताज हमला हो, जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं उन सब लड़ाइयों के अंदर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान यादव वीरों ने देकर अपनी माँ की गोद सुनी कर भारत माता की गोद में समा गई। अब एक चीज़ बताइए आप, सेना के अंदर सिख जाट गोरखा मराठा नागा रेजिमेंटें बनी हुई है। अब वो रेजिमेंट जातियों के नाम से बन सकती है तो जो 26 करोड़ यादवों का शहादत और बलिदान का इतिहास है, सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे नाम है, तो हमारी 26 करोड़ की भी हाई रेजिमेंट अन्य जातियों की रेजिमेंट की तरफ बननी चाहिए, वरना सबको ख़त्म कर भारतीय सेना के नाम से बना दीजिए, हम अपनी मांग वापिस ले लेंगे। वरना आज हम ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ये खुली चेतावनी देते हैं यादव समाज की ओर से, या तो इसी संसद के अंदर जो है आप जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करिए, वरना 23 सितंबर को तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा यादव दिल्ली पहुँचेंगे, जैसे 23 मार्च को वो छे गुड़गावा में, और उसके अलावा चाहे वो गुजरात हो, कोई भी राज्य हो, 28 राज्यों के अंदर हम पूरे देश में इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बढ़ाएंगे और पूरे देश में यादव और समाज रोड पर निकलेगा, शांतिपूर्ण धरना देगा और इस सरकार को झुकाकर, चाहे वो हमें संघर्ष से झुकाना पड़े, आंदोलन से झुकाना पड़े, चाहे वोट की ताकत से झुकाना पड़े, हम इसको झुकाएंगे और अपने वीरों के सम्मान में हम हाई रेजिमेंट बढ़वा कर ही दम लेंगे, नहीं तो हम इस आंदोलन को चालू रखेंगे जब तक हाई रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाएगा। तो क्या जब रेजिमेंट अभी नहीं मान लीजिए बना हुआ है तो क्या वीरों को सम्मान नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है, अभी इस महीने के अंदर हमारे 4 नौजवान शहीद हुए, हमारे राजस्थान श्री माधोपुर विक्रम यादव जी शहीद हुए, हमारे गोरखपुर के अंदर धनंजय सिंह शहीद हुए। शहीद होने का मतलब है उसको सैनिक सम्मान मिलना चाहिए, उनको प्राइवेट एम्बुलेंस में भेज दिया, धनंजय भेज दिया, कोई सैनिक सम्मान नहीं मिला। जब हम लोगों ने आंदोलन किया, जब सरकार ने झुका और उनको सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये सरकार यादव समाज से डरती है, क्योंकि यादव समाज इस देश के अंदर हमेशा देश के लिए जिया, देश के लिए मरा, आज भी सेना के अंदर सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान यादव समाज। किस आधार पे आप मानते हैं कि कौन से वो तर्क आप देंगे जिससे आप कह रहे हैं कि ये सरकार यादव समाज से डरती? देखिए, डरती है इस देश के अंदर, आप देख लीजिए ना उठाकर इतिहास यादव समाज का, शोषितों और वंचितों के अगर हक अधिकार की लड़ाई लड़कर उनको हक दिलाने का हक दिया, चारपाई में बैठने का हक दिया, वोट डालने का हक दिलाया, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया, उत्तर प्रदेश बिहार या अन्य राज्यों के अंदर किसने किया? यादव समाज के नेताओं ने किया। यादव समाज जो सीमा पर हमारे भगवान श्री कृष्ण के वंशज खड़े, 1962 के अंदर 120 हीरो ने 1740 को मार गिराया, जम्मू और कश्मीर को बचाया, 1947 बड़गांव की लड़ाई के अंदर 55 हीरो ने श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाकर
श्रीनगर को बचाने का काम किया। कारगिल युद्ध के अंदर सबसे पहले झंडा फहराने वाले योगेंद्र यादव, परमवीर चक्कर कम उम्र में, अक्षरधाम मंदिर में सुरेश यादव कमांडो, बॉम्बे ताज हमले में जिल्लूराम यादव कसाब को गुद्दी से पकड़ के लाया, 65 के युद्ध में आजी पीर देख लीजिए आप, 1971 के अंदर कराची को तहस नहस कर कराची और किलर का नाम लेने वाले राव बाबू लाल जी। कितने दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं और क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या जो आप ज्ञापन देने वाले हैं, तो ये कितने दिनों से आप लोगों की मांग है और अभी तक अगर आपकी मांग जायज है तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखिए, ये मांग आज़ादी के 75 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए जब से हमारी चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार जो है यादव समाज को इग्नोर कर रही है। यादव समाज अब जागरूक हो चुका है, रोड पर निकल चुका है, आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जब तक हाई रेजिमेंट का गठन नहीं होगा, यादव समाज इस आंदोलन को बंद नहीं करेगा और अपने गांव-गांव शहर-शहर जाकर गांव में छोटी छोटी मीटिंग कर हर यादव को जागरूक करेगा और उसको अपने साथ लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर हम इस सरकार को भी झुकाने का काम करेंगे। अगर नहीं मानी तो हम इस सरकार को वोट की ताकत से दलित और पिछड़ों को भी लेकर इसको उखाड़ फेंकेंगे और सरकार अपनी बनाकर हाई रेजिमेंट बनाकर भी हम लेंगे या सबकी रेजिमेंट तोड़कर भारतीय सेना के नाम से। एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं और आपकी मांग लगातार जारी है, लेकिन कमी कहाँ रह गई क्योंकि अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया और आप आगे की डेट देते हैं कि हम सितंबर में महाधरना करेंगे, सारे यादवों को एकजुट करेंगे, कमी कहाँ रह गई क्योंकि 75 वर्ष हो गए और अभी तक आपकी मांग पूरी नहीं हुई? देखिए, कमी हमारे नेताओं की भी रही है, कमी हमें हमारे यादव महासभा जो बड़ा संगठन था उसकी भी रही है। हम रोड पर नहीं निकले, हमने सिर्फ उसको अखबारों के माध्यम से सिंपल तौर पर उसको मांग की, हमने अपने नेताओं पर भरोसा किया कि ये हमारी मांग को संसद में रखकर पूरा कराएंगे, लेकिन जब हमें लगने लगा कि हमारी मांगे ये नहीं उठा रहे पीछे तो हमने अखिल भारतीय दूसरी महासभा के नेतृत्व में पूरे देश में अरेंजमेंट बनाओ रथ यात्रा के माध्यम से आज हम लगातार संसद के घेराव कर प्रधानमंत्री आवास का घेराव हमने किया, रक्षा मंत्री आवास का घेराव काट दिया, हमने पूरे देश में 2500-2500 से ज़्यादा पंचायतें की, रैलियाँ निकाली, कहीं ना कहीं अब समाज जाग चुका और समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए रोड पर निकल चुका है। ये आप आज पूरे देश में देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर। अब ये आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए चल रहा है, विजय या वीरगति, विजय होगी या वीर गति होगी, लेकिन हाई रेजिमेंट गठन जब तक नहीं होगा जब तक यादव समाज रोड पर नहीं निकल। कई नेता संसद भवन में हैं, क्या उन्होंने आपकी मांग को कभी उठाया? देखिए, पिछले कई सालों के अंदर जयप्रकाश यादव जी बांका से जो बिहार से सांसद थे, हरनाथ यादव जी, श्याम सिंह यादव जी और भी कई सांसदों ने अभी समाज को उठाना शुरू कर दिया, उसको लगने लगा कहीं ना कहीं समाज हमारा बहिष्कार करेगा और वोट भी नहीं देगा और पंचायत में हमारा बहिष्कार हो गया तो हम समाज में जाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं हमने अपने समाज के नेताओं को भी जगाया, वो भी इस आवाज़ को उठा रहे, अदर समाज के सांसद लोकसभा राज्यसभा में उठा रहे, कहीं ना कहीं अब ये आवाज़ जब सबसे बड़ी पंचायत जो रोड पर गूंज रही है, हर 36 बिरादरी की जुबान पर आ चुका है, तो अब ये मुद्दा कामयाबी की तरफ है। सिर्फ हमें अपनी ताकत एक बार दिल्ली के अंदर करोड़ों की संख्या में दिखानी होगी और ये सरकार जैसे किसानों के आगे झुकी, उनको भी कहती थी वापिस नहीं लेंगे, लेकिन 13 महीने के अंदर वो वापिस कानून वापिस तो ऐसे ही हम लोगों ने भी अनिश्चितकाल का जो आंदोलन चला हुआ उसमें तमाम संगठन जुड़े हुए हैं, उस आंदोलन को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक हाई रेजिमेंट का गठन नहीं किया जाएगा, सीमा पर जो जवान सिख जाट गोरखा मराठा नागा लिखवा कर अपमान कर सह रहा है उसके कांधे से वो हटवा कर या तो भारतीय सेना लिखाएंगे या हाई रेजिमेंट लिखाकर उसको सम्मान दिलाएंगे और गरीब बच्चों को उस सेना में रोजगार दिलाकर समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। ये आंदोलन चलता है। ये कुछ लोग थे जो हाई रेजिमेंट की बात कर रहे हैं और इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इनके समाज पर ध्यान में रखते हुए, इनके वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए एक अहीर रेजिमेंट का गठन करें और अगर नहीं होता है तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बड़े पैमाने पर देश में एक आंदोलन छेड़ने का ये अहीर रेजिमेंट जिंदाबाद।